कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने से देश भर के कांग्रेसजनों में आक्रोश व्याप्त है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष शाहिद खान ने केंद्र सरकार को घेरते हुए विरोध जताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने से देश भर के कांग्रेसजनों में आक्रोश व्याप्त है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष शाहिद खान ने केंद्र सरकार को घेरते हुए विरोध जताया है। शाहिद खान ने कहा कि भाजपा सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर गई है, इसके चलते यह सब हो रहा है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें न्याय मिलकर रहेगा और कांग्रेसजन आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। ये देखिएगा, जैसे कि सभी लोगों को पता है, आदरणीय राहुल गांधी जी की जो लोकसभा सदस्य खत्म की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो है सोची समझी साजिश है। एक ही षड्यंत्र के तहत जिस तरीके से राहुल जी को अयोग्य ठहराया गया है, उसका सभी कांग्रेसी जो है हम लोग विरोध करते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये जो हमारा भारत देश है, ये संविधान से चलेगा, ना कि किसी की हिटलरशाही से या तानाशाही से चलेगा। कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी गतिविधि का विरोध करती है जो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो, और हमेशा हमने जो लड़ाई लड़ने का काम किया है, चाहे वो भारत को आज़ाद कराने के लिए हमने लड़ाई लड़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अबू लाला दरगाह के पास केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस गंभीर मुद्दे पर वरिष्ठ कांग्रेसी ओम शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है, इसके चलते राहुल गांधी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस जन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि राजनीति का स्तर क्या हो गया है। किसी ने कोई अगर मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज उठाई या किसी न्याय की बात की तो उसको घेराबंदी करके ऐसे कर देते हैं कि वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाए। हमारे राहुल गांधी जी ने केवल इतनी सी बात की कि अडानी का मोदी जी से क्या संबंध है। 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी जी के पास आए वो कहाँ से आए, और राहुल गांधी बार बार इस बात को कह रहे हैं और वो इस बात का जवाब ना देकर कैसे उनकी बोलती बंद की जाए, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और उसी का ये परिणाम है कि उनकी सदस्यता निलंबित हो गए वो। अबू लाला दरगाह के पास यूथ कांग्रेस जनों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस काफी अलर्ट नजर आई। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।